फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme P1 Android मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर अगर काम नहीं कर रहा है, फिंगरप्रिंट सेंसर में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम ये करना है कि आपका जो सेंसर होता है ना, उसे आपको अच्छे से साफ कर लेना है, और जो आप फिंगर को टच करते हैं ना अपने सेंसर के ऊपर, उस फिंगर को भी अच्छे से साफ कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन कर लेना है। इस फाइल के ऐप में आपको नीचे की में एप्स का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अब अगले पेज में सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है। अब आपका ये वाला पेज आएगा, इस पेज में आपको नीचे की साइड ना एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको जो है ना नीचे की साइड ये स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको जो है नीचे की साइड क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के समय डेटा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, एक काम ये भी करना है कि आपने जो भी पहले वाला फिंगरप्रिंट लॉक लगा रखा ना, उस पहले वाले फिंगरप्रिंट लॉक को डिलीट करके एक नया फिंगरप्रिंट लॉक जो है सेट कर लेना है अपने फोन में, ठीक है। इससे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि अपडेट है या नहीं है। पहले फोन का इंटरनेट चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर है ना सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है। नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन शो हो जाएगा, इसे टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या फिर डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए, अगला काम करना यह है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए, ठीक है। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको जो है ना नीचे की साइड में एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। अब अगले पेज में आपको जो है इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। नीचे आपका ये पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन का जो डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।